हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल टॉपिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे आप अपना घर पर ही राशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्रेंड्स उसे वेरीफाई करने के भी स्टेप बताएंगे कि आप किस तरह से अपने राशन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, फिर आप अपने राशन डीलर से अपना राशन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जहाँ पर वीडियो का लॉन्ग प्रोसेस होगा मैं वहाँ पर वीडियो खुद ही स्किप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स आपको सिंपली अपने मोबाइल के मेन ब्राउज़र में आ जाना है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। यदि आपके पास कोई और ब्राउज़र है तो आप उसमें भी आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप करना है NFSA, और फ्रेंड्स अब आपको सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जब आपका नेक्स्ट पेज लोड हो जाए तो आपको ऊपर ही NFSA.gov.in, जैसा कि मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स जब आपका नेक्स्ट पेज लोड हो जाए तो आपको राइट कोने में ऊपर थ्री लाइन दिखती है। फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो अब ऊपर थ्री लाइन और आ चुकी है। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रेंड्स आपको सिंपली सेकंड नंबर ऑप्शन पर राशन कार्ड जैसे कि लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो राशन कार्ड में दो ऑप्शन खुल चुके हैं, आपको सेकंड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स जब आपका नेक्स्ट पेज लोड हो जाए तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, और फ्रेंड्स आप जिस भी स्टेट का यहाँ पे राशन कार्ड निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपको यूपी का राशन कार्ड निकाल के दिखाऊंगा, तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे लिखा है नीचे उत्तर प्रदेश, अब मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले आते हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो जिले का नाम। फ्रेंड्स जैसे कि मैं गाजियाबाद से हूँ तो मैं यहाँ पे गाजियाबाद क्लिक कर दूंगा। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने नेक्स्ट पेज लोड हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है टाउन और ब्लॉक। फ्रेंड्स यदि आप टाउन में हो तो टाउन सेलेक्ट करेंगे, और यदि ब्लॉक में हो तो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अब मैं सिंपली यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लूँ, जैसे कि यहाँ पे भोजपुर लिखा है तो फ्रेंड्स अब मैं सिंपली भोजपुर पर क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मेरा नेक्स्ट पेज लोड हो चुका है, और यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स ग्राम पंचायत। फ्रेंड्स आपकी जहाँ की भी ग्राम पंचायत लगती है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब सिंपली मैं बिशोकर पर क्लिक कर दूंगा। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने लिस्ट आ चुकी है। फ्रेंड्स बिशोकर में तीन दुकान हैं जिनके नाम यहाँ पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स अब मैं सिंपली ऊपर नंबर वन अर्चना पर क्लिक कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1180, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पेज लोड हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी सभी डिटेल पढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर या फिर आप अपने नाम से भी यहाँ पे अपना राशन कार्ड जांच सकते हैं। और फ्रेंड्स जब आपका राशन कार्ड नंबर यहाँ पे मिल जाए तो फ्रेंड्स आपको जैसे कि मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, फ्रेंड्स अब मैं 240 नंबर पर क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स आपको इस तरह से जब आपका कोई भी राशन कार्ड नंबर मिल जाए तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मेरा नेक्स्ट पेज यहाँ पे लोड हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सभी डिटेल देखने को मिल जाती है, जैसे कि दुकान का नाम, कार्ड का प्रकार, दुकान संख्या। फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यूनिट भी देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको राशन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रेंड्स यदि आप इसी पेज को कंप्यूटर में खोलते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप कंट्रोल एस से पेज को सेव कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रिंट या PDF सेव का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो फ्रेंड्स इसलिए फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे अपने मोबाइल से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फ्रेंड्स आपके पास की दुकान से आपको इसका प्रिंट निकलवा लेना है। फ्रेंड्स प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट या कलर दोनों चल जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर आपको अपनी तहसील में जाना है, और आपके जो राशन कार्ड इंस्पेक्टर है वहाँ से आपको मोहर लगवा लेनी है, और फ्रेंड्स फिर जो आपके राशन डीलर हैं फ्रेंड्स वहाँ से आपको राशन ले लेना है। फ्रेंड्स यदि आपको लगता है कि आप सीधा यहाँ से प्रिंट निकलवाएंगे और राशन डीलर के पास पहुँच जाएंगे राशन लेने के लिए, तो फ्रेंड्स वो राशन आपको नहीं देगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका राशन कार्ड वैलिड नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स पहले आपको तहसील जाना होगा, और जो आपके राशन इंस्पेक्टर हैं फ्रेंड्स वहाँ से आपको मोहर लगवानी होगी और उनके साइन करवाने होंगे, जिससे आपका राशन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और फिर आप राशन डीलर से अपना राशन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स यदि वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी दिख रही होगी जिसका नाम है help.digitaltopic@gmail.com।
फ्रेंड्स आप हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं, फ्रेंड्स हम आपके मेल का पूरा जवाब देंगे। और फ्रेंड्स मेरी पैन कार्ड से, आधार कार्ड से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फ्रेंड्स मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप जहाँ से चाहें वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।